अस्सलाम वालेकुम, मैं एडवोकेट मोहम्मद दाऊद आज आप लोगों के साथ बड़ी अच्छी वीडियो डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसे कि आपको पता है, काफ़ी अरसे के बाद दोबारा काम की मसरूफियत की वजह से वीडियो नहीं बना सका, बट बनाने का मकसद ये था कि एक्चुअली सेल्स टैक्स पे है आजकल रिटर्न फाइलिंग पे जो इशू आ रहे हैं। आप डाटा फीड करते हैं, चाहे वो नेक्स्ट ए में करें या लोड होके आ जाए, या नेक्स्ट सी में आप डाटा लोड कर रहे होते हैं, तो स्टेट वे ऑब्जेक्शन ये लगा देता है कि आपकी परचेजेस एसटीजीओ नंबर 13/2022 के साथ मैचअप नहीं कर रहे हैं। कुछ एचएस कोड के इशू चल रहे हैं। अच्छा, अब इसको किस तरीके से रिजॉल्व करना है, द रीज़न इसकी सिर्फ एक्चुअली रीज़न ये चल रही है, अगर आप एसटीजीओ नंबर 13/2022 को स्टडी करते हैं, उसमें सिर्फ एफबीआर ने ये इंश्योर करवाया है जितने इम्पोर्टर हैं, होलसेलर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, वो अपनी जितनी भी अनेक्सर सी की एंट्रियां कर रहे हैं उसको फेक और फ्लाइंग इनवाइसेस से बचाने के चक्कर में, ताकि एंट्रियां गलत ना हो जाएं, उसको जितनी आप परचेज कर रहे हैं जो एचएस कोड उसमें डाला गया है उसके मुताबिक ही लेके चलें अपनी सेल्स की एंट्री में। अनेक्सर सी को अनेक्सर ए के साथ बिल्ट इन करना है, इसीलिए अगेन समटाइम प्रॉब्लम आ जाती है। मतलब जो चीज़ आपने लेट से बाय की है, डाटा लोड होके नेक्स्ट ए में आता है, जो परचेज का सिलसिला है, इसी तरह सेम उसी एचएस कोड के हवाले से हम लोगों ने उसकी सेल्स की एंट्री भी करनी है। बेसिकली एसटीजीओ बनाया सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टर्स के लिए, होलसेलर्स के लिए, डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह के लिए है। बताने का मकसद ये है इनकी इनवाइसिस को, चूँकि आपको पता है सेल्स टैक्स के सेक्शन 26 को इंश्योर करते हैं ये, अगर वो उसमें प्रॉपर तरीके से एंट्री नहीं की जाएगी तो आप अपनी रिटर्न को प्रॉपर तरीके से सबमिट कर नहीं सकते। इसीलिए थोड़ा सा सिस्टम को अपग्रेड किया है, इसीलिए बहुत से भाइयों को थोड़ी प्रॉब्लम भी आ रही है जो प्रॉपरली फीडिंग करते हैं सेल्स टैक्स की रिटर्न्स की अपने टाइम पे। आपको पता है सेल्स टैक्स की रिटर्न का जो टाइम है वो आजकल चल रहा है, आजकल जितनी रिटर्न्स फाइल हो रही हैं उसमें काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम सिर्फ यही आ रही है कि प्रॉपर तरीके से एंट्री नहीं होती, एचएस कोड मिल नहीं पाता और सिस्टम उठा के उसको एसटीजीओ नंबर 13/2002 के साथ मिक्सअप कर देता है। और ये वो ऑब्जेक्शन है जो समटाइम काफ़ी लोगों को आती है। इसको रिजॉल्व करने का सिर्फ और सिर्फ इशू यही है कि एंट्री प्रॉपर आप एचएस कोड के अकॉर्डिंगली सेल और परचेज की करें, तभी जाके आप रिटर्न को फाइल कर सकते हैं, नहीं तो सिस्टम कॉन्टिन्यूसली इसको ऑब्जेक्शन लगाता जाएगा और रिटर्न सबमिट नहीं होगी। बताने का मकसद ये था कि प्रॉपर तरीके से रिटर्न की सेल्स टैक्स रिटर्न की सबमिशन की जाए और एचएस कोड के हवाले से प्रॉपर एंट्री की जाए। बहुत शुक्रिया।